हुकूमत की जानिब से रात 1 बजे होटलों और कारोबारी इदारों को खुला रखने के ऐलान के साथ ही कल बिलखसूस ताजरीन और आम शहरियों को राहत हासिल हुई। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता चंद माह से पुलिस की जानिब से रात जल्द बाजार बंद कर दिए जा रहे थे और पुलिस का अमला गश्त करते हुए कारोबार बंद करने की हिदायत दे रहा था। रात 10:30 के बाद खास तौर पर पुराने शहर में अफरा तफरी का आलम देखा जा रहा था। सायरन बजाती हुई पुलिस गाड़ियां दौड़ती नजर आ रही थी। सड़कों पर नजर आने वाले और घरों के सामने बैठने वाले नौजवानों पर बास पुलिस मुलाजमीन की जानिब से लाठियां बरसाई जा रही थी। रेवंत रेड्डी के ऐलान का वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो गया और कल रात से ही पुलिस ने इन अहकाम पर अमलावरी को यकीनी बनाया। वज़ीर-ए-आला के ऐलान के साथ ही कल रात तीनों कमिश्नरेट के हदूद में कारोबारी इदारे खुले देखे गए और खास तौर पर पुराने शहर में पुलिस की जानिब से रोजाना जिस तरह से जबरी तौर पर दुकानात बंद कर दिए जा रहे थे, कल उस तरह का माहौल नहीं देखा गया। बॉलीवुड के मशहूर अदाकार आज़ा मुराद हैदराबाद के दौरे पर हैं। उन्होंने जुमा की रात तारीखी चार मीनार के इलाके का दौरा किया। उनके हमरा मखदूम ब्रदर्स के मालिक आबिद भाई भी मौजूद थे। इस मौके पर अदाकार ने चार मीनार के दामन में मीडिया से बात करते हुए कहा कि वो चार मीनार के पास है, जो हिंदुस्तान की आन बान और शान है और दुनिया भर में ये तारीखी इमारत काफी शोहरत रखती है। बीआरएस लीडर और साबिक वजीर टी हरीश राव ने हफ्ते के रोज वजीर आपाशी एन उत्तम कुमार रेड्डी से दरख्वास्त की है कि वो मिड मानेर से अन्नापूर्णा रिजर्वायर, रंगानायक सागर, मलाना सागर और कोंडा पोचम्मा सागर को फौरी तौर पर पानी छोड़ें। कालेश्वरम प्रोजेक्ट के तहत किसानों की जानिब से हुकूमत से अपील करते हुए कि वो नहरों में पानी छोड़कर आईकट को आपाशी में मदद फराहम करें। उन्होंने निशानदेही की कि अन्नापूर्णा, अनंतगिरी आबी जखायर, रंगानायक सागर, मलाना सागर और कोंडा पोचम्मा में पानी की सतह जिला सिद्दीपेट में इंतहाई कम है। पिछले साल तकरीबन इसी वक्त अनंतगिरी रिजर्वायर में 3.32 TMC पानी था, लेकिन अब ये घटकर 0.75 TMC रह गया है। रंगानायक सागर में पानी का जखीरा गुज़िश्ता साल अगस्त में 2.38 TMC के मुकाबले 0.67 TMC तक गिर गया है। मलाना सागर में भी पानी की सतह 18 TMC के मुकाबले में 8.5 TMC और कोंडा पोचम्मा सागर में 10 TMC से घटकर 4.5 TMC रह गया। बारिश कम होने की वजह से किसान परेशान हैं।